गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम मिसेस तिवारी। आई एम योर एसएस टीचर। आई विल टीच यू चैप्टर 4, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्ट? डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जहाँ पर रेत ही रेत होती है। तो इंडिया में किस जगह डेजर्ट है, आज हम इससे रिलेटेड रीड करेंगे। तो लोकेशन ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट्स क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, कैमल, शेप ऑफ द डेजर्ट, लाइफ ऑफ पीपल एंड प्रेजेंस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन राजस्थान। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। दिस इज इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट। दिस इज राजस्थान स्टेट। जैसा कि आप जानते हो, डेजर्ट क्या होता है, एक फ्लैट एरिया होता है जो कि सैंड से ढका रहता है। डेजर्ट में बहुत कम बरसात होती है, इस कारण यहाँ बहुत कम वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन माने पेड़ पौधे। राजस्थान लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के साउथ वेस्ट में है राजस्थान। अरावली हिल्स डिवाइड राजस्थान इंटू टू पार्ट। अरावली के द्वारा राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द ईस्टर्न पार्ट इज क्वाइट फर्टाइल एंड द वेस्टर्न पार्ट इज रॉकी एंड सैंडी। ईस्टर्न पार्ट जो है बहुत फर्टाइल है, मानी यहाँ पर अच्छी फसलें पैदा होती हैं, जबकि ये जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा कैसा है, सैंडी है, रॉकी एंड सैंडी। द रिवर चंबल ईस्टर्न पार्ट में बहती है और राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट थार डेजर्ट या इंडियन डेजर्ट कहलाता है। ये चंबल रिवर यहाँ ईस्टर्न पार्ट में बहती है, इसलिए यहाँ अच्छी फसल पैदा होती है, परंतु ये यहाँ पर थार डेजर्ट है, यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं होती और इसका नाम क्या है, थार डेजर्ट। क्लाइमेट, डेजर्ट का क्लाइमेट जो है बहुत पूरे साल भर बहुत हॉट एंड ड्राई होता है। समर सीजन में नाइट्स कूल एंड डेज हॉट होती हैं। इसी तरह विंटर में डेज वार्म एंड नाइट्स वेरी कोल्ड होती हैं। डेजर्ट में हवा के द्वारा सैंड उड़ करके टीले का रूप ले लेती है जो सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। स्ट्रांग विंड्स के साथ सैंड उड़ती है जो कि सैंड स्टॉर्म्स कहलाती है। सैंड स्टॉर्म्स माने रेत की आंधी। विंड के साथ टॉप सॉइल उड़ जाती है जो इस तरह सॉइल डैमेज हो जाती है, ये सॉइल इरोशन कहलाता है। इस कारण से डेजर्ट का बहुत बड़ा एरिया सूखा एवं बंजर है। कहीं कहीं पर पाम, बबूल, कैक्टस और कीकर के पेड़ उग आते हैं। यहाँ पर वीट, ग्राम, ज्वार, बाजरा की खेती होती है। कहीं कहीं पर रेन वाटर इकट्ठा होकर तालाब जैसा भर जाता है, उसको ओएसिस कहते हैं। इसके आसपास डेट पाम के पेड़ उगाते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान में गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन और डेली यूज के वाटर के लिए राजस्थान कैनाल के द्वारा सतलज रिवर से पानी सप्लाई होता है। ये कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल कहलाती है। दिस इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनाल। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माने लंबी कैनाल है। ये कैनाल गंगानगर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में वाटर सप्लाई करती है। राजस्थान में सांभर लेक, एक खारे पानी की लेक भी है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि ये सैंड पर इजीली चल सकता है एवं कई दिनों तक विदाउट वाटर रह सकता है। राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में लोग गोट, शीप, कैमल को पालते हैं एवं फूड की सर्च में यहाँ वहाँ घूमते हैं, जो नोमेड्स कहलाते हैं। इनका झुंड कारवां कहलाता है। राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में फार्मिंग एंड एनिमल रीयरिंग होती है, कॉमन है। यहाँ राजस्थान में मार्बल एंड सैंडस्टोन पाया जाता है। जेंट्स, यहाँ के जेंट्स सिर पर टर्बन, पगड़ी बांधते हैं और लेडीज घाघरा चोली पहनती हैं। यहाँ के फेस्टिवल दशहरा, दिवाली, होली हैं और यहाँ का जो फेमस डांस है वो घूमर डांस है।
फेमस टूरिस्ट प्लेस उदयपुर, जयपुर लेक पैलेस ऑफ उदयपुर, हवा महल, आमेर फोर्ट एट जयपुर बहुत फेमस है। कोटा, अलवर एंड चित्तौड़ हिस्टोरिकल सिटी हैं राजस्थान की, और माउंट आबू एक अच्छा हिल स्टेशन है राजस्थान का। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्योंकि राजा जय सिंह ने इसको बसाया था, इसलिए इसको जयपुर इसका नाम पड़ा। और यहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग्स पिंक हैं, इसलिए इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। खारे पानी की झील, लेक है, साल्ट की वाटर। कौन सी है राजस्थान?